let P be the probability that they score same number of ducks after 50 shots. Okay. मतलब 50 शॉट्स तक सेम स्कोर हो इसकी प्रोबेबिलिटी पी मान लेते हैं. तो वॉट एवर दैट प्रोबेबिलिटी इज लेट इट बी पी, उसको निकालने की जरूरत नहीं है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी देयर स्कोर्स डिफरेंट इज 1 माइनस पी. इनके स्कोर्स अलग अलग हो नॉट सेम विल बी 1 माइनस पी. अगेन स्टिल टॉकिंग अबाउट आफ्टर 50 शॉट्स, 50-50 दोनों कर चुके हैं. तो प्रोबेबिलिटी देयर स्कोर्स आर डिफरेंट इज 1 माइनस पी. देयरफॉर कितने बच्चे समझना, प्रोबेबिलिटी ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ डक्स ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ डक्स ऑफ बी, ये क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, कोई बताना चाहेगा बच्चों? एनीवन वांट्स टू मेक अ कमेंट? क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ, हाफ एंड हाफ नहीं, नो हाफ एंड हाफ नहीं मेरे भाई, यही दो पॉसिबिलिटीज थोड़ी हैं. अच्छा ओके, या तो ए का बड़ा होगा या बी का बड़ा होगा. क्यों, दोनों के इक्वल भी तो हो सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी तो है, जीरो थोड़ी है वो. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ ए, अभी देखो मैंने 50-50 स्कोर किया, मतलब आई हैव एक्चुअली शॉट 50 डक्स दोनों ने. मैंने बोला कि 1 माइनस पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट उनका अलग अलग स्कोर है. तो अलग अलग स्कोर में कितने बच्चों से मिला कि ए का बी से बड़ा होना और बी का ए से बड़ा होना सेम बात है 50 शॉट्स के बाद, क्योंकि दोनों इक्वली स्किल्ड हंटर हैं. तो ए का बी से ग्रेटर होना और बी का ग्रे से ग्रेटर होना दोनों इक्वली प्रोबेबल है. तो ये डिवाइड बाय 2 कर दो, समझा? तब ध्यान से देखो. नाउ उसने बोला है बी टेक्स 51st shot, ठीक है? तो केस वन ध्यान से देखो कौन सा वाला है. केस वन ए इक्वल्स टू बी, केस टू ए ग्रेटर देन बी, और केस थ्री 50 शॉट्स तक क्या 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 था उसके हिसाब से मैं 51st shot ले रहा हूं, ठीक है? इनिशियली ए वाज इक्वल्स टू बी. तो अगर अब बी 51st shot लेता है तो ए इक्वल्स टू बी की प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों, पी. जिस केस को ले रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी पी है. उसके बाद कितने बच्चों को समझा, हाफ, बी मस्ट टेक द 51st shot एंड मस्ट हिट द डक, ठीक है? हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द डक. तो इसके बाद क्या हो जाएगा, बी का नंबर ज्यादा हो जाएगा. अगर ए का ग्रेटर देन बी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये है, कितने बच्चों को समझा, इंटू जीरो. क्योंकि बी अगर 51st shot लेता है तो भी ए का नंबर, सॉरी बी का नंबर ए से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्स टू मैक्स बी इक्वल टू ए हो सकता है, बट मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट बी का ज्यादा हो जाए, है ना? तो जीरो, समझा? उसके बाद अगर बी ऑलरेडी ग्रेटर देन ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस केस इज दिस, और बी अगर ऑलरेडी ग्रेटर देन ए है तो इंटू वन. शूट करे ना करे, लगे नहीं लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आंसर क्या बन रहा है बच्चों, समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी आपने कैसे निकाला, लाइक 1 माइनस बी बाय 2 क्यों? अरे अनइक्वल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस बी. तो फिर ए का बी से बड़ा और ना बी का ए से बड़ा होना तो सेम बात है, ये तो समझ ही रहे हो? हां सर. तो हाफ हाफ, ओके सर, अनइक्वल की 1 माइनस बी है तो ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए दोनों सेम ही बातें हैं, तो दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया 1 माइनस बी बाय 2 1 माइनस बी बाय 2, ठीक है? चलो इंटू जीरो के साथ ए का नंबर बी से बड़ा है तो बी अगर लास्ट डक को शूट कर भी ले तो भी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बी का नंबर ए से बड़ा हो जाएगा. हाँ सर, जीरो. हाँ सर. तो एटमैक्स बी को ए के बराबर ला सकते हो ना, बट बी ग्रेटर देन ए हो ही नहीं सकता ए की शॉट और एक्स्ट्रा में, ठीक है? चलो तो फाइनल आंसर बस हाफ. सर एक मिनट थोड़ा ऊपर देख लो क्या हुआ, पूछना है तो पूछ लो कुछ इसमें. So why did you multiply it by 1 in case 3? अगर B का number already greater than A है, मतलब B has shot more ducks than A, so irrespective of what B does in the 51st shot, ah okay, doesn't matter. Yeah.
चलो तो पैसेज फोर देखो, पैसेज फोर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मिस्टर ए रैंडमली पिक्स थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम सेट 1 से 9 एंड अरेंजेस देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो तीन नंबर सिलेक्ट करे और उसका एक डिसेंडिंग वाला नंबर। तो जैसे मैंने 139 सिलेक्ट करा है तो 931 इज द नंबर, ठीक है। चलो उसके बाद बोला है कि बी ऑल्सो डज द सेम थिंग बट 1 से 8 के, और उसके बाद उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन 28, तो क्वेश्चन 28 दैट प्रोबेबिलिटी दैट एनी थ्री डिजिट नंबर ऑफ मिस्टर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन मिस्टर बी इज थ्री डिजिट नंबर, मतलब काइंड ऑफ। हाँ सर, मैंने इसके लिए एक मेथड किया, आई डोंट नो इफ आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर। पहले मैं ये करेक्ट आंसर तो वेरीफाई कर सकता हूं ऑप्शन से, सर सिंपलीफाई नहीं हो रहा था तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इनकरेक्ट है। पहले क्वेश्चन समझ, मेरे हिसाब से द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई क्लियरली। 28 और 30th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? 28th में बोल रहा हूं कि इन नहीं सॉरी एज नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन बीज नंबर एनी हाउ, मतलब एक नंबर तो एक डिजिट भी नंबर से होना चाहिए। हाँ, this is what 28 is asking and what you are expecting, वो 30th वाला क्वेश्चन है कि आप कुछ भी कर लो, ए का नंबर ग्रेटर ही होना चाहिए। तो हाउ डू इंश्योर कि आप बी का कुछ भी ले लो, ए का नंबर अभी भी उससे ग्रेटर है? तो ये इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने बच्चों ने समझा कि बी का कोई सा भी नंबर ले लो स्टिल ए का नंबर ग्रेटर है, तो ए मस्ट हैव 9 एज अ डिजिट और नॉट, जल्दी बताओ। Yes, sir. एक का नंबर में 9 ऐसे डिजिट होना जरूरी है अगर हमेशा ही चाहिए तो, हमेशा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए का 9 अगर डिजिट चाहिए तो कितने बच्चों को समझा ये आंसर हो गया, अगर ए ने 9 इंक्लूड कर लिया, सॉरी 9C3, तो टोटल कितने भेज होते हैं 9C3 थ्री डिजिट सिलेक्ट करने के लिए, और कितने उसमें 9 इज ऑलरेडी देयर 8C2। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि 9 उसने हमेशा सिलेक्ट करा, और अगर 9 हमेशा सिलेक्ट करा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए का नंबर ग्रेटर देन बी हो जाए, 1, है ना, ये समझ गया। तो ये निकाल के देख लो कितना आता है, शायद 1/3 आता है। ओके देन 29th बोलिए सर, ये 28th क्वेश्चन में अगर ए ने 9 नहीं सिलेक्ट किया बट ए ने 8 सिलेक्ट कर लिया, वो 30th क्वेश्चन है, सुन तो ले। ओके वो 30 वाला क्वेश्चन है जो तू बोल रहा है ना। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है ना कि तू बी कोई सा भी नंबर उठा ले स्टिल ए का नंबर ग्रेटर है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि फिर ए को 9 लेना ही पड़ेगा। जो तू बोल रहा है वो 30 है, वो भी सॉल्व कर ही रहा हूं, डोंट वरी, देख लेना डिफरेंस दोनों में। चलो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हैव द एग्जैक्ट सेम थ्री डिजिट नंबर, तो ध्यान से देखो। लेट, अगर ये नहीं समझे तो प्रॉपरली भी कर सकता हूं, लेट बी सिलेक्ट अ नंबर, ठीक है, कोई सा भी एक नंबर ले लो। जैसे बी ने एक नंबर लिया 3, 2, 1, ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स द एग्जैक्ट सेम 1/9 बस खत्म, यही आंसर है। किसी को समझा? हाँ सर। इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू दिस कि बी का नंबर सिलेक्ट हो जाने दो, फिर ए की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम नंबर आने की, 1/9C3, समझा? आपको ऐसा लगे ना कि सर बी के भी तो प्रोबेबिलिटी लो, अरे बी का तो 1 हो गया ना, एवरी टाइम बी सिलेक्ट एनीथिंग ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लो कि सर आप लेसे 3, 2, 1 लिया उसने, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही टुक 3, 2, 1, 1/8C3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए गॉट द सेम थिंग, 1/9C3। बट ऐसे कितने केसेस बनेंगे, 8C3 केसेस। बी ऐसे कितने नंबर सिलेक्ट कर सकता है, 8C3, तो बात तो वही हुई ना, समझ आ रहा है? या फिर किसी को ये नहीं जम रहा, इफ somebody is not liking this, कि सर आपने ऐसे क्यों किया, आप उल्टा क्यों नहीं लिया कि ए को नंबर सिलेक्ट कर लें दो, चलो ठीक है। बट ए में ज्यादा नंबर, हाँ ए के पास ज्यादा नंबर्स हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, और ए की तरफ से देखना है तो ए का सिलेक्शन कर लो, चलो कर लो। तो ए के सिलेक्शन में 9 होगा या फिर 9 नहीं होगा, बोलो, either 9 is there or 9 is not there as a digit। कितने बच्चों को समझ आया कि 9 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो, और उसके बाद दोनों का नंबर इक्वल हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0।
अगर नाइन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 8C3 by 9C3. उसके बाद दोनों का नंबर 1/8C3. वही बात हो गई है ना? Yes. और उसके बाद 30th वाला ध्यान से देखना. 30th वाला बोल रहा है कि A का नंबर ग्रेटर देन B का नंबर हो बस. तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे? केस वन A took 9 है ना, और केस टू क्या है? A did not take 9. सीधी सी बात. अब अपन को प्रॉपरली दोनों पॉसिबिलिटीज देनी पड़ेंगी. तो ये प्रॉपर वर्जन ऑफ 28 है. तो A took 9, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A took 9? 8C2 by 9C3. उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A का नंबर B से बढ़ाओ? 1 है ना. उसके बाद A didn't take 9, तो A did not take 9 की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A का नंबर B से बढ़ाओ? तो बहुत ध्यान से देखना, A का नंबर B से ग्रेटर हो. A ने 9 नहीं लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ले चुका हूं. तो अब दोनों 1 से 8 में से सिलेक्ट कर रहे. बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टिंग फ्रॉम 1 to 8. प्रोबेबिलिटी दैट देयर नंबर्स आर इक्वल, बोलो. प्रोबेबिलिटी दैट देयर नंबर्स आर सेम, यस सर. प्रोबेबिलिटी देयर नंबर्स आर नॉट सेम, डिस्टिंक्ट नंबर्स, बताओ. प्रोबेबिलिटी दैट देयर नंबर्स आर नॉट सेम है ना. 1 minus same यार, सिंपल सा. यस सर, डिवाइड बाय 2. ए ग्रेटर देन बी हो जाए. अनइक्वल में हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि दोनों 1 से 8 में से उठा रहे हैं ना, तो दोनों इक्वली इसकी लोग एक तरीके से. वही बात हो गई ना हंटर जैसा, दोनों 1 to 8 में से उठा रहे, तो ए का बी से बढ़ाना और बी का ए से बढ़ाना सेम बातें हैं. ओके, तो इनटू हाफ कर दूंगा तो यू विल स्पेसिफिकली गेट ए का बी से बढ़ाना. ओके बच्चों, तो इनटू हाफ वाला पार्ट नहीं समझा. कौन सा वाला? इनटू हाफ आपने क्यों किया? इनटू हाफ इसलिए किया क्योंकि अभी ये हुआ, ए ने 1 से 8 में से सिलेक्ट कर रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी. Yes. उन दोनों के अनइक्वल होने की प्रोबेबिलिटी की, ए ने जो भी सिलेक्ट किया बी ने डिफरेंट ही सिलेक्ट किया. दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है. Yes. और उसके बाद हाफ इट से मल्टीप्लाई करा क्योंकि अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है तो इसमें दोनों केसेस इक्वली प्रोबेबल है क्योंकि दोनों 1 to 8 में से सिलेक्ट कर रहे हैं ना. यस सर, तो हाफ कर दिया तो ए ग्रेटर देन बी वाला मिल गया. Yes, sir. तो ये हो गया अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है. देख लो इसका सोल्यूशन, देखना है तो देख लो. और एक शायद बच रहा है, एक नहीं अभी और 2-3 बच रहे हैं. कौन से वाले? थोड़े मिसेलेनियस सम बच रहे हैं. तीन क्वेश्चन बच रहे हैं. टोटल प्रोबेबिलिटी पे भी 3 बचे. तो ये वाले क्वेश्चंस बाद में करूं क्या? ये वाले अटेम्प्ट हुए हैं, बचे हुए 3 बुकलेट के बाद वाले जो लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 4 बच रहे हैं. अटेम्प्ट हुए हैं ये? सर ये वाले आप कर लेंगे अभी और फिर टोटल प्रोबेबिलिटी वाले बाद में. नहीं नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी तो अभी करने है क्योंकि नेक्स्ट में करने वाला हूं जब वो टोटल प्रोबेबिलिटी ही है. टोटल प्रोबेबिलिटी सर बता सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का? फिफ्थ वाले का मैं रिकर्जन बता सकता हूं. रिकर्जन आता है, PN इज PN plus PN minus 1/2 ऐसा कुछ आता है. आंसर तो मुझे भी नहीं पता यार, मैंने तो ऐसे ही बना के दिया था ऐसे रैंडमली. रिकर्जन बता सकता हूँ बस, ठीक है. उस रिकर्जन को सॉल्व कर लो जो भी आएगा. तो मैं बचे हुए 4 क्वेश्चन थोड़ा आराम से करता हूँ. रिमेनिंग 4 यू कैन अटेम्प्ट अगेन. रिकर्जन बेस्ड थोड़े क्वेश्चन थे. रिमेनिंग 4 यू कैन डू देम लेटर. ओके, तो मैं अभी ये वाले कर देता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले. तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाले काफी फुद्दू क्वेश्चंस थे, सिंपल ही थे. तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाले कहाँ हैं? फोटो खींच के भेजा था क्या? अच्छा हाँ. तो क्वेश्चन 1 क्या है? अ बैग हैज एन प्लस 1 कॉइन्स. अ बैग हैज एन प्लस 1. शार्विल यार आंसर तो नहीं पता, मैंने ऐसी मस्ती में बना के दिए थे क्वेश्चन. 6 वाले का पीएन पीएस रिकर्जन, यार रिकर्जन बता दूंगा तो फाइट है. यू शेयर योर आंसर, में बता वेरीफाई कर देता हूँ सही है या नहीं है. शार्विल आप अपना आंसर शेयर कर दो, मैं बता देता हूँ सही है या नहीं. चलो, तो अ बैग हैज एन प्लस 1 कॉइन्स. इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 1 कॉइन हैज हेड्स ऑन बोथ साइड्स एंड रेस्ट ऑल फेयर,
the rest of fair coin. A coin is chosen randomly and tossed if the probability that head turns up is 7/12. तो कितने बच्चों समझा केसेस बनाने, बट मैं इसको जबरदस्ती ट्री डायग्राम से बनाऊंगा. तो स्टार्ट, क्या क्या केसेस बन सकते हैं? इवेंट ए मतलब क्या हुआ, वो बायस्ड कॉइन सिलेक्ट होना, और इवेंट बी क्या हो गया, एक फेयर कॉइन सिलेक्ट होना. तो ये दो इवेंट्स हो सकते हैं बस. ठीक है, अगर बायस्ड कॉइन सिलेक्ट हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n+1, और फेयर कॉइन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, n/n+1. उसके बाद टॉस करा है, इवेंट ई क्या है, हेड आना, ई मतलब हेड आया. तो अगर बायस्ड कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, और अगर फेयर कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. तो उसने पीई क्या दिया हुआ है, 7/12, विच विल बी बेसिकली दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच प्लस दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच. ठीक है, तो कितना बन रहा है, 7/12 इज 2+n/(2)(n+1). तो n की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, ये बन जाएगा 14n+14=24+12n. तो n इज 5. ठीक है, 5 इज द आंसर. तो ये हो गया, कितना इजी सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन 2, एन अर्न हैज 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स. A fair die is rolled and that many number of balls are chosen from the urn. Probability balls selected are all white. तो इसमें सीधी सी बात है, आपके इवेंट्स क्या हो जाएंगे, AI मतलब, AI का मतलब वो जो नंबर डाई पे आ रहा है. हाँ, I appears where I can be anything from 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आपका ट्री डायग्राम क्या बन जाएगा, A1 आया, A2 आया, .. A6 आया. ठीक है, ऐसे करके आपका ट्री डायग्राम बन गया रैंडमली, इसे बना दिया आपने. और उसके बाद इवेंट ही क्या है, ऑल वाइट. तो A1 के थ्रू भी ऑल वाइट आ सकती है, A2 के थ्रू भी, A3 के थ्रू भी ऑल वाइट आ सकती है. तो इन सब की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. नाउ इसका मतलब होता है वाइट आना, प्रोवाइडेड एक ही बॉल उठा रहे हैं. तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, 61/10C1, दोनों वाइट आना. ऐसे करते करते 66/10C6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज इवेंचुअली 1/6 इंटू दिस. तो ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट छोड़ दो, मैं ऐसे बना के दिया था मन से, 66/10C6, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. उसके बाद क्वेश्चन 3 क्या है, तो क्वेश्चन 3 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है, वैसे बुकलेट के सम है, सम एक्सरसाइज 2B का कोई 7-8 सम है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन आर्टिलरी टारगेट मे बी आइदर एट पॉइंट ए विथ प्रोबेबिलिटी 8/9 और पॉइंट बी विथ प्रोबेबिलिटी 1/9. तो इवेंट ए क्या हुआ, टारगेट एट ए. ठीक है, इवेंट बी क्या हुआ, टारगेट इज एट बी. तो ये दो केसेस बन रहे हैं. ईच शेल मे हिट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर शेल विथ प्रोबेबिलिटी 1/2. मतलब मैंने एक शेल, मतलब वो चलाया मैंने, आई बॉम्ब्ड दिस प्लेस विथ अ शेल. तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरे वाले की भी प्रोबेबिलिटी हाफ, सबकी प्रोबेबिलिटी हाफ 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 ऐसे करके. ठीक है, हाउ मेनी शेल्स मस्ट बी फायर एट पॉइंट ए टू हिट द टारगेट विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. तो ए पे कितने शेल्स से फायर करे कि उसकी हिट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए. अब द प्रॉब्लम विथ दिस क्वेश्चन इज वॉट इज इट मीन की हिट करना. ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा हिट्स द टारगेट का मतलब क्या. हिट्स द टारगेट ऑल शेल्स एट ए, ना नो. हिट द टारगेट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें नहीं समझ आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय हिट द टारगेट, बोलो. टू एम एंड देन सर, मतलब लाइक ए पर फायर करना है हमें, बट लाइक वो ए पर की तरफ लाइक फायर करके ए को हिट करे उसका प्रोबेबिलिटी हाफ है. ये हुआ हिट करना, मतलब एट लीस्ट वंस. बात समझ पा रहे हो, मतलब हिट द टारगेट मतलब कितनी बार,
ऐसे सोचो ना, मतलब मैं तो मल्टीपल 20 कितने कितने शेयर्स फायर कर रहा हूँ, इनिशियली कहाँ लिखा है 21 शेल्स, तो मैं 21 शेल्स फायर कर रहा हूँ, तो उस पे हिट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। व्हाट यू मीन बाय हिट करने की प्रोबेबिलिटी? इट मींस एटलीस्ट एक ना एक बार टारगेट हिट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है, चलेगा? दिस इज व्हाट इट मींस, इसको मैक्सिमाइज करना है। अगर आप सोच रहे हो कि सारे शेल हिट कर जाए तो आप गलत सोच रहे हो, दिस इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन मींस। हिट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब एटलीस्ट एक ना एक बार हिट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करना है। तो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं? चलो ठीक है, लेट एक्स शेल्स बी फायर्ड एट ए। तो अपन पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बोलो सर? वो 8/9 और 1/9 किसका प्रोबेबिलिटी दिया? इज इट गिवन द टारगेट का ए पे होना और बी पे होना? ओके सर। Let's find the probability that no hit on target. चलो at least वन से better क्या होता है? एक भी बार hit नहीं किया, ठीक है, चलेगा? तो पहले निकालते हैं probability that एक भी बार target hit नहीं किया, तो कितने बच्चों को चलेगा? H मतलब सॉरी N बोल देता हूँ, नॉट हिट, चलेगा? तो मैंने एक्स शेल्स फायर किए हैं A पे, एक्स शेल्स हैव बीन फायर्ड एट A, तो उस पे A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी टारगेट की? 8/9, B पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/9, ठीक है। अब मैंने अगर एक्स शेल्स फायर करे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट इवन वन ऑफ देम हिट्स इट? 1/2 raised to x, चलेगा? बचे हुए किस पे फायर कर रहा हूं? 1/2 raised to 21 minus x, तो प्रोबेबिलिटी इट नेवर हिट्स क्या बन रही है बच्चों? 8/9 into 1/2 raised to x upon 1/2 raised to 21 minus x, ये चलेगा प्रोबेबिलिटी दैट इट नेवर हिट्स? आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, रुको। ये प्रोबेबिलिटी हुई कि एक भी बार हिट नहीं किया, तो कितने बच्चों समझ रहे हैं? दिस नीड्स टू बी मिनिमाइज, दिस शुड बी मिनिमाइज, चलेगा सर? हाँ, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी एक बार समझा सकते हो क्वेश्चन? शेल अगर मैंने फायर कराए तो टारगेट को हिट कर जाए, तो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी अगर हाफ है तो ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, और एक भी शेल फायर, एक भी शेल हिट ना करे तो उसकी हाफ रेस्ट एक्स हो जाएगी ना? यस सर, अंडरस्टूड। बस तो ये दोनों दिस प्लस दिस को मिनिमाइज करना है। कितने बच्चों को दिख रहा है? AMGM लगा लो यार, AMGM 8/9 into 1/2 raised to x plus 1/9 into 1/2 raised to 21 minus x whole by 2 is greater than equals to, इसका प्रोडक्ट क्या है बच्चों? प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना? हाँ जी। तो AMGM इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो अपन को ये मिनिमम नहीं निकालना है, अपन को निकालना है मिनिमम कब हो रहा है। तो ये मिनिमम तभी हो रहा है जब ये दोनों नंबर्स इक्वल हो। कौन से दोनों? ये दोनों नंबर्स इक्वल हो, AMGM की कंडीशन यही होती है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? 2 raised to 3 minus x is 2 raised to x minus 21, तो x की वैल्यू क्या रही है? 12, ठीक है। तो 12 डालूंगा तो हिट ना करे कहीं पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, एटलीस्ट वन, सॉरी मिनिमाइज हो जाएगी, तो एटलीस्ट वंस। ये रहा आंसर, एटलीस्ट वंस की मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है, चलेगा? बच्चों आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एक दो बना के दिए थे, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब काफी हो गया इतना।
समझने के लिए काफी है. तो नेक्स्ट पार्ट इज लाइक प्रिटी 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 इंपॉर्टेंट. ये वाला लास्ट पार्ट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज दिस लास्ट पार्ट? दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम. So I had a doubt. I have a doubt in the previous question. Okay, bolo. So why don't we just take it hits? One of even that will be half only, na. Where? Here you've taken probability that it does not hit, but if you take it as probability that it hits, then also it will be half raised to x only, no? Yeah. Okay. So I mean, answer will be the same, and the method will be the same. आंसर फॉर व्हाट? बट अपन वो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? ऑल ऑफ देम हिट? ऑल ऑफ देम हिट? मतलब बट मुझे ऑल ऑफ देम हिट की नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी, मुझे किसकी चाहिए? एटलीस्ट वंस हिट द टारगेट की मैक्सिमाइज करनी है ना. ओके सर. हाँ ये सही बात है कि probability of all hitting and probability of no none hitting वो same है. That is fine, क्योंकि वो half half दिया हुआ है तो it's fine. But अपन को इसकी minimize करनी है ना, maximize करनी है, तो इसके लिए concentrate करते हैं. Okay sir. चलो. So can you show this solution one slide? What? For note another solution. Note. Done, sir. In the lower part of. Done, sir. चलो. तो बेस थ्योरम, व्हाट इज बेस थ्योरम? ध्यान से सुनना. स्टार्टिंग वाला पार्ट इज कार्बन कॉपी व्हाट वी डिड इन टोटल प्रोबेबिलिटी. तो क्या हो रहा है? लेट ई बी एन इवेंट व्हिच अकर्स वाया अ सीरीज या फिर वाया एंड डिसजॉइंट लिखो कि एन एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ये सब एक्सक्लूसिव होते हैं. इवेंट्स a1 a2 ...... an. ठीक है. तो अपन को ट्री डायग्राम बनाना ही है. ठीक है. इसमें ट्री डायग्राम इज ऑफ रियल इंपॉर्टेंस. एज आई सेड, टोटल प्रोबेबिलिटी को इटसेल्फ में टॉपिक था ही नहीं. टोटल प्रोबेबिलिटी वॉज बकवास, जबरदस्ती पढ़ाया मैंने. तो आप क्या करोगे, एक्चुअली मेन ये स्टार्ट, उसके बाद आपके सारे इवेंट्स a1 a2 ...... an. और ये ब्रांचेस तो अपन समझ ही चुके हैं. ब्रांचेस का क्या मीनिंग होता है? ये प्रोबेबिलिटी e, दिस वाज p ऑफ a1, दिस वाज p ऑफ a2 ...... p ऑफ an, pe/an, सॉरी pe/a1, pe/a2 ...... pe/an. तो यू ऑलरेडी रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट. और इससे आता था pe, एंड देन pe वाज समेशन ऑफ pai into pe/ai. ये होता था. ठीक है. बट अभी अपन ये नहीं सीख रहे हैं, अपन कुछ और सीख रहे हैं. अपन सीख रहे हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी. सो अ टिपिकल स्टेटमेंट, एकदम ऐसे टाइप का साउंड करेगा. अ टिपिकल स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी. इनवर्स प्रोबेबिलिटी का टिपिकल स्टेटमेंट कैसा साउंड करेगा, ये देखो. वुड बी लाइक ऐसा कि ये तो हो चुका है, ऐसा 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 आपको दिया हुआ डायग्राम और आपने ये सब बना दिया प्रॉपरली. बट इसका एक टिपिकल स्टेटमेंट क्या होगा? फाइंड probability that a1
occurred provided E is true. मतलब समझा? बोलो, ये हो गया इनवर्स प्रोबेबिलिटी. बच्चों किसी को मीनिंग समझा इसका? इस बार हो क्या रहा था अभी तक? सब वांटेड भी पी ए वन ओनली. देखो मैंने क्या बोला कि ए वन हुआ होगा और उस, या तो हो सकता है ई ए वन के थ्रू हुआ हो, या फिर हो सकता है कि ई ए टू के थ्रू हुआ हो, या फिर ए थ्री के थ्रू हुआ हो, या फिर ए एन के थ्रू हुआ हो. अब इस बार उल्टा पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है पता है कि भाई मुझे पता है ई हो चुका है, आई नो दैट ई हैज अकर्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए वन के थ्रू हुआ हो या फिर ए वन हुआ हो. बात वही हुई, ठीक है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए वन हुआ हो, बात समझे? तो ये पीछे वाली चीज पूछ रहा है, पहले क्या हुआ हो. बात समझ आ रही है? बोलो. तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है. देखो कितने बच्चों समझ रहा है, सर ये तो सोना सोना लग रहा है, ये तो हमने काफी ई कैसे हुआ को पूछ रहा है. नहीं, ई कैसे हुआ नहीं पूछ रहा है, वो तो बोल रहा है कि ई तो हो चुका है, द इवेंट ई हैज अकर्ड. वो बोल रहा है इवेंट ई इज ट्रू, तो क्या प्रोबेबिलिटी ए वन हुआ था. कितने बच्चों समझ रहा है? अबे ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. बोलो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए वन अकर्ड प्रोवाइडेड ई. बोलो. लेकिन फिर तो उल्टा बोल रहा है ना पूरा. तो उसी को तो कंडीशनल बोलते हैं. ये तो कंडीशन हुआ कि ई ट्रू है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए वन, तो ए वन स्लैश ई. तो कितने बच्चों ने समझा कि पी ए स्लैश बी क्या होता था? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी पीपल. यस खत्म. बट अब ए वन इंटरसेक्शन ई कैसे निकालेंगे? ये देखो कितने बच्चों ने समझा रहा है ए वन इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को ये चलेगा? ये भी तो है. बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी को आप दो तरीके से लिख सकते हो ना. यू कैन राइट इट एज पी ए इंटू पी बी स्लैश ए बी लिख सकते हो, या फिर पी बी इंटू पी ए स्लैश बी भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी. याद आ रहा है? तो मैंने क्या लिख दिया? पी ए वन इंटू पी ई स्लैश ए वन होल डिवाइडेड बाय. अरे पी ई तो ये था यार, पी ई को तो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो गया. दिस इज द फॉर्मूला और इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए वन प्रोवाइडेड ई इज ट्रू, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको ट्री डायग्राम बनवाया है, क्योंकि आप इसको पढ़ो, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको पढ़ो ये क्या बन रहा है. ध्यान से देखो, पी ए वन इंटू ई स्लैश ए वन, पी ए वन इंटू ई स्लैश ए वन अपॉन समेशन. मतलब क्या बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखना. This into this upon this into this plus this into this plus this into this plus this into this. बस ये आंसर है. कितने बच्चों समझा? बहुत ही आसान हो गया यार ये तो. बोलो पीपल. यस सर. बस खत्म, यही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए वन प्रोवाइडेड ई अकर्ड वुड बी व्हाट? दिस ब्रांच इनटू दिस ब्रांच इनटू दिस ब्रांच अपॉन दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस टोटल. चलेगा? That's it. This is inverse probability. So inverse probability is a mix of total probability and conditional probability. ये conditional probability है, ठीक है? तो बहुत important है, इसको अच्छे sums भी बनेंगे तो अपन को बहुत सब चीजें देखते हुए चलनी है, ठीक है? अच्छा एक ऐसे छोटा सा point, tree diagram जरूरी है. ट्री डायग्राम बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अब तो दिख भी रहा है कि सर कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाएगी, कोई फॉर्मूला लगानी नहीं. आपने तो बोला ब्रांच इनटू ब्रांच अपॉन टोटल, ऐसे कर दो, ठीक है? बट ट्री डायग्राम में हमेशा एक चीज इंश्योर करना, ट्री डायग्राम इतना जरूरी क्यों है? इट ऑल्सो डिनोट्स फ्लो ऑफ टाइम. फ्लो ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? मतलब हाँ, आपको डायग्राम बना रहे हो तो ये ध्यान में रखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए डायग्राम. इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे करके डायग्राम बनाओ. उसके बाद जो भी पूछ रहा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया. ये इंश्योर करना है आपको कि भाई आपने उल्टा ऊपर नीचे नहीं कर दिया हो, बस कि ई को ऊपर लिख दिया कहीं पे, कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया, मर्जी से लिख के आगे. पहले सोचना कि सबसे पहले क्या हुआ,
जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर वो बैग वाला एक एग्जांपल लिया था ना, कि मैंने कॉइन टॉस कराए तो उसके हिसाब से बैग ए या बैग बी में से एक बॉल निकाला है, तो आपने सबसे पहले कॉइन टॉस किया होगा, फिर उसके बाद बैग या बैग बी में से निकाला होगा जो भी होगा, समझ पा रहे हो? तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना टाइम ये टाइमलाइन बनाना, ठीक है? टाइमलाइन गलत बनाओगे तो आंसर ऑफकोर्स गलत आ जाएगा। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय टाइमलाइन। तो इसको लिखो, बहुत आसान है बेस थ्योरम, वेरी 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 इजी, ठीक है? छापो सर। हाँ सर, वो पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी ए आई पी इनटू पी ई ऑफ आई, वो उसका प्रूफ है क्या? अबे लास्ट लेक्चर टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकाला था, उससे ही करना ना। ओके सर, वही तो है, उससे करना क्या है, वही तो। पी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। ओह सॉरी सर, सॉरी सर। तो छापो इसको बच्चों। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। ओके, एक मिनट मैं आता हूँ, कॉपी करो, एक मिनट आ रहा हूँ। चलो तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, धीमे धीमे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज बेस थ्योरम, देखते हैं चलो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल जाता और मैंने बता भी दिया, खाली दिस ब्रांच इनटू दिस ब्रांच अपॉन टोटल, ऐसे करके कर लो आंसर खत्म। चलो
तो थोड़े बुकलेट से देता हूँ, थोड़े खुद भी दे देता हूँ। तो इसका फोटो खींच के रख लो तो जरा। अब मैं थोड़े बुकलेट के भी देता हूँ और एक दो और अपने खुद से दे रहा हूँ। अब मैं धीमे धीमे थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चालू करूंगा। ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। फिर एक बार थोड़ा ऊपर कर सकते हो, बॉल्स का क्या लिखा है? ये रहा ना, बस खत्म, यही कुछ नहीं इसके। सर अपने क्वेश्चन थ्री में अबॉलेंस क्या लिखा है? इस ट्रांसफर्ड। ओके सर।
अच्छा पहले इसका फोटो सेशन कर लिया ना, 1 2 3 यस सर। इसका फोटो सेशन अगर किसी ने नहीं किया तो फोटो सेशन करके ग्रुप पे डाल लो, क्योंकि अब मैं देता जा रहा हूँ क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा बुकलेट की भी दूंगा, तो इनको छापो। चलो ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 क्या है, चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग के पहले चार तो ऐसे फुद्दू से क्वेश्चन है, फिर आखिरी आखिरी में थोड़े से अच्छे होते जाएंगे। ये स्टार्टर नगर, तो इसका भी फोटो खींच के डाली दो, एक काम करो इसका भी फोटो खींच के डाली दो कि एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन करना है। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे एंड में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते जाएंगे, मजेदार। अभी स्टार्टिंग के तो ऐसे जस्ट फुद्दू से दिए हुए हैं, ट्राई करो, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी। वंस यू गेट द आइडिया तो बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद ये कि अपन इसमें वेरिएशन कितने आ सकते हैं वो सब ट्राई करेंगे, तो इसमें काफी अच्छे वेरिएशन बन सकते हैं। एक्स्ट्रा सेशन, अरे नहीं यार, केवल मैं काफी बिजी हो गया कल, तो मैं कम्प्लीटली भूल ही गया, मतलब मैं लेट एकदम रात को आई रियलाइज की करना था, तो मैं देखता हूँ वापिस से बैच में पोस्ट करता हूँ। कम्प्लीटली स्किप माय माइंड, चलो क्वेश्चन वन हो गया क्या बच्चों? यस सर। तो क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, बैग वन हैज 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, बैग टू हैज दिस दिस दिस, अ बैग इज रैंडमली चोजन। तो एक इवेंट ए क्या है, इवेंट ए बैग वन चोजन, बैग ए में से बॉल निकालना। इवेंट बी क्या है, बैग टू में से बॉल निकालना। ओके बैग वन में से एक बॉल निकालना, बैग टू में से एक बॉल निकालना। तब ऐसे सोचो, ये हुआ टाइमलाइन स्टार्ट, आइदर बैग ए या बैग बी में से बॉल निकालोगे, और ई इवेंट क्या है, व्हाइट बॉल वॉज ड्रॉन, है ना, तो ये ई इवेंट है। तो बैग ए के चूज करने की प्रायोरिटी हाफ हाफ हो गई, है ना, प्रिटी ऑब्वियस, प्रिटी ऑब्वियस। उसके बाद बैग ए में से व्हाइट निकल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बैग ए में से व्हाइट निकल जाए 3/5, बैग बी में से निकल जाए प्रोबेबिलिटी 4/9। तो उसने मांगा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बैग ए प्रोवाइडेड बैग वन से निकला प्रोवाइडेड इट वाज अ व्हाइट बॉल। तो वो कैसे निकालते हैं, ये तो हाफ इनटू 3/5 अपॉन टोटल, तो टोटल कितना है, 3/5 + 4/9, तो आंसर कितना बन रहा है, 3 × 9 = 27 + 20, 27/47, ठीक है, तो एकदम पप्पू, एकदम पप्पू।
सेकंड आ रहा है सेकंड भी पपलू सम एकदम सेकंड क्या बोल रहा है अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वाज फाउंड टू कंटेन ओनली 51 कार्ड्स मतलब एक मिसिंग है फिर मैंने 13 कार्ड्स निकाले और वो सबके सब रेड निकल गए तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कार्ड वाज मिसिंग इसमें इवेंट ए क्या है इवेंट आर रेड मिसिंग ओके और इवेंट बी क्या है ब्लैक कार्ड मिसिंग तो टाइमलाइन के हिसाब से और इवेंट ई क्या है 13 रेड कार्ड्स आर ड्रॉन इवेंट इज 13 रेड कार्ड्स तो अपने स्टार्ट टाइमलाइन के हिसाब से पहले तो कार्ड मिसिंग होगा पहले कार्ड नहीं निकाल लूंगा फर्स्ट द कार्ड वाज मिसिंग उसके बाद 13 रेड कार्ड्स आर ड्रॉन 13 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड ऑल ऑफ देम केम आउट टू बी रेड ठीक है चलो तो रेड कार्ड मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इनिशियली इनिशियली तो 1/2 हुआ क्योंकि दोनों के इक्वल नंबर्स हैं बच्चों ओके उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 रेड कार्ड्स प्रोवाइडेड अ रेड कार्ड वाज मिसिंग कितने बच्चों को समझा बोलो पीपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 रेड कार्ड्स प्रोवाइडेड ब्लैक कार्ड वाज मिसिंग तो ब्लैक कार्ड मिसिंग था तो 26C13/52C13 पीपल बट उसने पूछा क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक कार्ड वाज मिसिंग प्रोवाइडेड ई एज अ कार्ड तो बी इज बी स्लैश ई मतलब ये ब्रांच इनटू ये ब्रांच डायरेक्टली लिख दूं चलो लिख ही देता हूं यहां 51C13 नहीं होगा ओए यस थैंक यू Yes. Sir, it's laid out tha. Bolo. So 25C13 wala aapko part kaise aaya? Agar black card missing hai to kitne red bach rahe hain? 26 bach rahe hain. Bas to 26 mein se 13 nikalne ke kitne bache? 26C13. Okay sir. Bas khatam. Iska value nikal lo kitna aa raha hai pata nahi. I don't know. बट निकाल लो जो भी आ रहा है बट इफ यू लीव इट लाइक दिस देन आल्सो आई एम हैप्पी थर्ड वाला भी आसान है जल्दी करो आंसर मुझे पता नहीं यार दोस्त हरी निकालते जाओ बहुत इजी हैं होते जाएंगे ट्राई करो नेक्स्ट वाला सर आप फोर्थ के बाद क्वेश्चन दिखा सकते हो फोर्थ लेना है ये बुकलेट के दिए मैंने ओके एक बार नीचे कर सकते हो सर ये क्वेश्चन टू का आंसर अलग सिंपलीफाई करना पड़ेगा एग्जाम में वो लोग यही फॉर्म में देंगे नहीं यार ऑफ कोर्स सिंपलीफाई करके देंगे ओके
सर वन आ रहा है, वन तो गलत, किसका, इसका आंसर वन आ रहा है। सॉल्यूशन टू का, हाँ मतलब कुछ तो एरर है बट लाइक तो तूने गलती करी, दिख रहा है ये तो अभी, हाँ, क्या कर रहा है चेक। हाँ सर वही है सर। चलो तो बॉल इज नॉट रैंडमली ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, तो एक इवेंट एक क्या हो जाएगा बच्चों, वाइट ट्रांसफर्ड है ना, ट्रांसफर्ड, और इवेंट बी क्या हो जाएगा, ब्लैक वॉज ट्रांसफर्ड, और इवेंट ई क्या हो जाएगा, वाइट इज ड्रॉन है ना, ये बोला उसने, उसने बोला है कि वाइट निकालिए तो प्रोबेबिलिटी वाइट वॉज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, तो ये हो गया एस, आपने या तो वाइट ट्रांसफर की होगी बैग वन से बैग टू में या फिर ब्लैक ट्रांसफर की होगी, और उसके बाद बैग टू में से आपने एक वाइट बॉल निकाली है। चलो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाइट वॉज ड्रॉन, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी दैट वाइट वॉज सॉरी वाइट वॉज ड्रॉन, वाइट प्रोबेबिलिटी होगी ट्रांसफर करने की, तो वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5, वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/5, ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अगर वाइट ट्रांसफर करी है तो बैग इसमें कितने हो गए, 3 white 3 black, तो अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 white 3 black, और अगर ब्लैक ट्रांसफर की है, ब्लैक ट्रांसफर की है तो दिस इज 2 white 4 black, 2 white 4 black मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट। तो उसने आपसे मांगा है प्रोबेबिलिटी क्या है कि ट्रांसफर्ड बॉल वॉज ऑल्सो व्हाइट, मतलब व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया था प्रोवाइडेड ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैक टू इज व्हाइट, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3/5 × 3/6 upon 3/5 × 3/6 + 2/5 × 2/6, तो 5 × 6 तो कैंसिल हो रहा है पूरा, तो आंसर क्या बन रहा है, 9/13। चले बच्चों देखो सर, हाँ ये 3/5 किसकी प्रोबेबिलिटी है, 3/5 की बैग वन से बैग टू में व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया, और 3/6 जो पिकिंग की है ना कि ये बैग ऐसे पिक किया, अगर मैंने व्हाइट ट्रांसफर किया है तो बैग टू, अच्छा बैग टू था ये भी नहीं, बैग टू है अगर इसमें व्हाइट ट्रांसफर किया है तो अब 3/3 black बच रही है ना, तो बैग टू में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 बस, तो फिर ठीक है। सॉरी सर, लाइक क्वेश्चन टू का आंसर 2/3 आ रहा है, तो लाइक क्वेश्चन, हां सर 2/3, हां 2/3 ठीक है, फाइन श्योर, ओके फोर ट्राई करो, फोर्थ भी काफी फुद्दू है। फोर्थ का डायरेक्ट 1/3, नहीं यार 1/3 क्यों भाई, 1/3 कैसे, वन बाय टू नहीं, आई डोंट थिंक 1/2 सही है, आई थिंक 2/5 इज करेक्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2/5 इज करेक्ट।
टीए नगर और कोलकाता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाटा नगर इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलकाता इज 1/3। अरे भाई बट ये भी तो सोच कि कंजेक्यूटिव टीए आना कोलकाता और टाटा नगर में अलग अलग है ना, कंजेक्यूटिव लेटर्स को टीए होना, ये दोनों सेम बातें हैं कोलकाता में भी और टाटा नगर में भी। क्वेश्चन नहीं समझा। आई एम सेइंग कि कंजेक्यूटिव टीए आना, कंजेक्यूटिव लेटर्स का टीए होना, कोलकाता की अलग प्रोबेबिलिटी होगी और टाटा नगर की अलग प्रोबेबिलिटी है ना, कैसे सेम ही होगा ना टीए और टीए। अबे बट कोलकाता में कितने लेटर्स हैं, एक नंबर तो स्पेसिंग कर सकते हैं, सात लेटर्स हैं तो कंजेक्यूटिव तो छह हुए और उसमें एक आ रहा है, एंड टाटा नगर में कितने हैं, नौ हैं और उसमें मतलब आठ कंजेक्यूटिव है बट उसमें दो बार आ रहा है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टीए इटसेल्फ इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। ओके, सो डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है मतलब तू उन दोनों को सेम मान रहा है, दो टीए हैं और इसमें एक टीए है तो 2/3, तो गलत हो गया ना। Yes, एक काम करता हूँ मैं इसको फिक्स करके बताता हूँ कि इसका फिक्स कैसे होगा। अपन इनकी प्रोबेबिलिटी सेम बना सकते हैं बाय मेकिंग देयर लेंथ सेम। चल पहले मैं करेक्ट वाला वर्जन सॉल्व कर देता हूँ, देन आई थिंक चलो करेक्ट वाला वर्जन तो अब मैं लिख भी नहीं रहा, मजा ही नहीं आ रहा। स्टार्ट या तो टाटा नगर से आएगा या कोलकाता से आएगा, तो इनिशियली तो प्रोबेबिलिटीज हाफ होंगी ना, सोच के बताओ एक बार। अभी yes, कुछ sir. भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फ्रॉम टाटा नगर एंड कोलकाता इनिशियली तो हाफ हाफ होंगी, प्रिटी डैम ऑब्वियस, बट अब इवेंट हो रहा है टाइमलाइन के हिसाब से कि यहाँ पे कंजीक्यूटिव लेटर्स टीए अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है टीए आर द कंजीक्यूटिव लेटर्स इन टाटा नगर, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, 2/8 आंसर है कि नहीं बताओ। yes, समझाओ कि समझ रहा है, टाटा नगर तो कंजीक्यूटिव लेटर्स अवेलेबल है, तो कितने तरीके से कंजीक्यूटिव उठा सकते हो, आठ तरीके से, नाइन में से आठ तरीके से कंजीक्यूटिव, टीए एटी टीए एन एन ए ऐसे करके, तो आठ वेज, ठीक है। और कोलकाता में कितना है बच्चों, 1/6, ठीक है सर। ये टाटा नगर का 2/7 नहीं होना चाहिए, क्यों टाटा नगर मतलब नहीं, अरे दो कंजीक्यूटिव लेटर कितने तरीके से उठा सकता है, बस ये बता दे, आठ ना, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 8, 9। सर मैंने एक्चुअली टीए को एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया और फिर किया। नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चन कुछ और है ना यार, उसने बोला है कि कंजीक्यूटिव लेटर्स आर विजिबल, तो कंजीक्यूटिव लेटर कितने तरीके से विजिबल हो सकते हैं, आठ तरीके से, बट वो टीए हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके सर, 2/8, ठीक है, 2/8 है ना, तो ये क्या बन रहा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम कोलकाता इज आंसर, प्रोबेबिलिटी इज दिस इनटू दिस अपॉन 1/2 × 2/8 प्लस 1/2 × 1/6, तो कितना बन रहा है, पहले 1/2 कैंसिल हो रहा है, हाउ मच इज इट, 2/5 ये हो रहा है, ठीक है। वैसे इसको हाँ सर, 2/2 × 1/6 नहीं समझा, कितने तरीके से कंजीक्यूटिव लेटर उठा सकता है कोलकाता में से, कंजीक्यूटिव लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वो कंसेक्यूटिव लेटर्स टी है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/6 हो गई, बस सेम टाटा नगर में आठ तरीके से उठा सकता है और कंसेक्यूटिव वाले टीए हो वो दो तरीके से उठा सकता है। यस यस, ठीक है। अब मैं ये जो बच्चा बोल रहा था कि सर डायरेक्टली ऐसे बोलो ना, इसमें एक अवेलेबल है और इसमें दो अवेलेबल है, तो 2/3 एंड 1/3, तो गड़बड़ ये है कि इसमें एक अवेलेबल होना, इनकी लेंथ अलग अलग है ना, ये देखो ना प्रोबेबिलिटी ये हो रही है ना, बात समझ पा रहे हो। Yes, sir. The probability is that TA as the consecutive letters are not same. चलेगा? तो अगर इसको अगर same बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जैसे इसमें आठ तरीके से consecutive उठा सकते हैं, ऐसे करके इसमें आठ और इसमें, तो इनका अपन एक काम करते हैं, जैसे इसमें आठ तरीके से उठा सकते हैं और इसमें छह तरीके से उठा सकते हैं, तो LCM of 6 and 8 क्या होगा, अपन इनका लेंथ सेम कर देते हैं, LCM of 6 and 8 क्या होता है, 24। तो अगर छह तरीके से हटाते हैं, मतलब कोलकाता, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब इफ लेंथ वर 24, इफ 24 वेज ऑफ सिलेक्शन थे बच्चों, इफ 24 वेज ऑफ कंजीक्यूटिव सिलेक्शन थे, दोनों 24 हो जाएंगे अब, तो मतलब मैंने कोलकाता को कितनी बार लिखा होगा बच्चों, चार बार,
बात समझ पा रहे हो? मतलब बात समझ आ रही किसी को? कि अगर मैं 20 चार बार कैसे, अरे मतलब जैसे, अरे जैसे 24 है ना, तो सेवन लेटर से कॉल करता हूं मैं ना। अरे कोलकाता में लेटर 7 है, बट 24 कंसेक्यूटिव बोल रहा हूँ। तो कितने बच्चों समझ आ रहा है कि 4 TAs मिल जाएंगे मुझे कोलकाता से, बताओ ये 24 की स्ट्रिंग में से बताओ। और मुझे टाटा नगर से कितने मिल जाएंगे? टाटा नगर के 3 बार लिखने पड़ेंगे मुझे अगर ऐसे 24 बनाना है तो उसमें से कितने मिल जाएंगे बच्चों? 6 बार, 6 TAs मिल जाएंगे फ्रॉम दैट कंप्लीट स्ट्रिंग, जल्दी बताओ। ये समझ आ रहा है? अब आप कर सकते हो, नाउ दिस इज परफेक्टली फाइन, कि प्रोबेबिलिटी कि वो कोलकाता से आया है प्रोवाइडेड TA विजिबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रॉम कोलकाता प्रोवाइडेड TA इज 4/4+6, तो कितना बन रहा है बच्चों ये 4/10, 2/5। हाँ देख लो, किसी को समझा? वी अभी राइट नाउ वी जस्ट डिड व्हाट, कि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम कर दी मैंने, क्योंकि दोनों में 24 कंसेक्यूटिव लेटर्स थे सिलेक्ट करने के, तो इसमें कितने TA हैं और इसमें कितने TA हैं, तो दिस अपॉन टोटल ऐसे कर दिया। इफ इट मेक सेंस एट ऑल। ये तो कभी भी कर सकते हैं ना, कभी भी मतलब लाइक एज एन प्रीवियस एग्जांपल था, उसमें भी वैसे कर सकते थे ना, LCM निकाल के। किस चीज का एलसीएम निकालते हैं? अच्छा वो सॉरी सर, उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं था, ये ए एंड बी का, सॉरी। ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि वो बच्चा बोल रहा था कि सर डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं करा, इसमें एक टी अवेलेबल है और उसमें 2 टी अवेलेबल है, तो 1/3 एंड 2/3 हो जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी, बट नहीं, इसमें एक टी ए का प्रोबेबिलिटी और उसमें 2 टी ए का प्रोबेबिलिटी, वो दोनों अलग अलग बातें थी, बिकॉज दोनों का स्ट्रेंथ स्ट्रिंग का लेंथ अलग अलग था, इसमें 6 था, 6 में एक आ रहा है और उसमें 8 में 2 आ रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ो, मेथड 2 इज फोकस्ड अननेसेसरली कंफ्यूजिंग, मेरे को खुद का एक्सप्लेन करते हुए फील हो रहा है कि मतलब दिस इज नॉट, मतलब क्या एक्सप्लेन करूं इसमें, फालतूगिरी लग रहा है, छोड़ो। एज लॉन्ग एज मेथड 1 यू अंडरस्टूड, दिस इज गुड इनफ। तो अब कौन सा करना है? बुकलेट के करने, चलो चालू हो जाओ। तो बुकलेट के पहले दो इजी हैं, जस्ट ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, फिर देखो जेई वाले करते हैं। ये वाला अच्छा, यहाँ से अच्छा है, 7 अच्छा है, 12 भी अच्छा है, 7 और 12 सेम टाइप के, और 8 भी अच्छा है, ट्राई करो। मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है?
आ रहा है नेक्स्ट वाला, वन ए का काफी फुद्दू सम है मेरे हिसाब से, 1A 32। हाँ सर, यस सर, इट्स इजी। Paul's gardener is not dependable. The probability he will forget the water, forget to water the rose bush is 2/3. Did not water the rose bed. So, सबसे पहले क्या करेगा? Watered the rose bed and मतलब did not water the rose bed, ठीक है? तो पहले water करेगा, फिर नहीं करेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? Withered. Then event क्या है? Rose bush withered, ठीक है? खराब हो गया. तो सबसे पहले वाटर किया, वाटर नहीं किया, और उसके बाद इज द प्रोबेबिलिटी बुश वाज विदर्ड, है ना, यू नो फाइनल विदर्ड, ठीक है? तो उसने क्या दिया? प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फॉरगेट टू वाटर द रोज बेड, तो ये 2/3, तो ये 1/3 हो गया. अगर वाटर किया है तो विदर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. एंड इफ नॉट वाटर्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विदर इज 3/4, ठीक है? तो उसने आके देखा कि विदर हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी दैट डिड नॉट वाटर, नॉट वाटर, तो कितने बच्चों समझ रहा है? पी एन स्लैश ई मांग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/2 प्लस 2/3 इंटू 3/4, तो कितना बन रहा है बच्चों आंसर? देख लो, पता नहीं क्या आ रहा है, देख लो क्या आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है वही चाहिए. 3/4 आएगा, 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/2, तो कितना बन रहा है? 3/4, सही, करेक्ट. तो ये हो गया, काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल. नेक्स्ट वाला ट्राई करो, नेक्स्ट भी मेरे हिसाब से आसान है. एक्सरसाइज 3/5, सेम ही टाइप का सम है. एक्सरसाइज 3/5, थोड़ा सा पढ़ने में बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद सेम ही. हाँ, ट्री डायग्राम से ही करना है, सही है, करते जाओ.
चलो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज 3 का 5 बच्चों इजी है क्या क्या गिवन है अ सर्टेन ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज टेस्टेड केमिकली फॉर इट्स टॉक्सिक नेचर द इवेंट ड्रग इज टॉक्सिक इज डिनोटेड बाय एच एच मतलब टॉक्सिक है एंड द केमिकल टेस्ट रिवील्स द ड्रग इज टॉक्सिक ई मतलब है एक्चुअली टॉस नहीं क्या टेस्ट इज टॉक्स टेस्ट रिवील्स टॉक्सिक ऐसे करके और दूसरा क्या है बी डिनोटेड बाय एस ठीक है तो एच बार का मतलब क्या हुआ नॉट टॉक्सिक ओके ठीक है तो शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रग इज नॉट टॉक्सिक गिवन दैट द केमिकल टेस्ट रिवील्स इट इज टॉक्सिक तो ये हुआ स्टार्ट ऐसे लिखना पड़ेगा नहीं तो एस वो सेम हो जाएगा तो स्टार्ट तो या तो टॉक्सिक होगा ड्रग या फिर टॉक्सिक नहीं होगा अगर टॉक्सिक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/a और तो इसकी नॉट ए और उसके बाद टेस्ट रिवील्स टॉक्सिक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट s/h इज 1 - a एंड P/S/H अगर 1 - a है तो P S/H bar अगर 1 - a है तो P S/H bar क्या हो जाएगा a इन दोनों का सम 1 होना चाहिए तो ये a गलत दिया हुआ इधर सर S dash क्या है सर a उस साइड में आएगा दूसरे साइड में आएगा सर क्यों सही तो है S/H करेक्ट है सर हां फॉर उसने क्या बोला प्रोबेबिलिटी दैट ड्रग इज टॉक्सिक तो ड्रग वाज टॉक्सिक एच तो उसने बोला PH/S तो वो क्या बन जाएगा सर नॉट टॉक्सिक ड्रग इज नॉट टॉक्सिक मतलब नॉट लिखा है क्या तो PH/S ठीक है तो हाफ आ रहा है तो सही तो है सो देव गो is free from a haan so okay free from a sorry independent of about that so I have misinterpreted the question sahi hai haan so s dash kya hai s dash matlab test reveals not toxic s bar matlab not toxic okay sir सर आपने 6th भी क्लास में ही करवाया हुआ है
क्या पता है, नहीं अभी तक तो नहीं करवाया, अभी कहां से करवाया था, पहले आपने खुद लिख के दिया था क्वेश्चन, तू कुछ और पढ़ रहा है शायद। अ पर्सन गोस टू ऑफिस बाय कार स्कूटर बस और ट्रेन, ये कहां करा है मैं? तो किसी और के लेक्चर देख के आया है। A person goes to office by car, scooter, bus or train. तो मैं C, car, scooter, bus और T लिख देता हूँ ना, सीधी सी बात। ये चार तरीके अपने पास जाने के, ठीक है? और सबकी probabilities क्या given है? 1/7, 3/7, 2/7 and 1/7, all right? और उसके बाद क्या बोला गया है? Probability that he reaches office late. तो उसने क्या बोला? Work probability travel by, अच्छा, तो event क्या है? E मतलब on time पहुंच गया वो, ठीक है? तो अगर कार ली है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, तो ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी 7/9। अगर स्कूटर लिया तो ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, तो लेट की प्रोबेबिलिटी 8/9, ये 5/9 और ये 1/9, सॉरी 8/9। तो उसने क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ही रीच ऑफिस इन टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ट्रेवल्ड बाय कार? तो उसने मांगा है प्रोबेबिलिटी C/E, तो वो क्या होता है? दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच, तो 1/7 × 7/9 होल डिवाइडेड बाय 1 × 7 + 3 × 8 + 2 × 5 + 1 × 8 होल डिवाइडेड बाय 7 × 9। तो 7 और 9 जाता रहा, तो 7/7 + 24 + 10 + 8 कितना बन रहा है वो? 49। ओके, तो 1/7 आ रहा होगा, फिर देख लो, है ना? सिंपल, जेई का सम सॉल्व हो गया, खत्म, दिन चार। नेक्स्ट ट्राई करो, पैसेज टाइप। नो, इट विल बी 1 - PC/E, PC/E एंड PC/E, ये 1 होगा मित्र, सॉरी ये 1 होगा ना, सी होगा या नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना, C/E, C/E। बट क्यों करना डायरेक्टली, आतो ना यार, नेक्स्ट सोचो पैसेज, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 कॉम्प्रीहेंशन, 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, सोचो कैसे करोगे। आई विल गिव यू 6 to 7 minutes, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है, हाँ 6 से 7 मिनट देता हूँ, आराम से करो ट्राई, मैं घूम फिर के आता हूँ, थोड़ा चाय बना के आता हूँ, चलो ट्राई करो। प्राइन हो गया तो आगे वाले और क्वेश्चंस कर लो, और नहीं तो पुराने वाले क्वेश्चन का तीनों ABC करना है, 7 का तीनों करना है, और ब्राइन वो हो जाए तो फिर ये ट्राई करना, क्या बोलते हैं, अगर सारी हो जाए तो ऐसे ऑप्शनल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 3 का 37 ट्राई कर लो जब तक, ठीक है? अगर सारी हो गए तो फिर ये कर लेना।
चलो सॉल्व करें, बोलो बचो, सॉल्व कर रहा हूं मैं, चलो सर 2 minutes सर, सॉरी ओनली द कॉम्प्रिहेंशन और द अदर टू सॉल्व आल्सो, मतलब मैं फिलहाल कॉम्प्रिहेंशन तो कर ही रहा हूं, बाकी दो सम्स आराम से कर सकते हो, बट कॉम्प्रिहेंशन इट्स वन ऑफ इट्स काइंड वाली बात है, मतलब ये थोड़ा यूनिक टाइप का सम है। तो कितने बच्चों समझा प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई, नहीं 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 नहीं, पहले तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ट्री डायग्राम बना लेता हूँ, ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम क्या है, ये हुआ स्टार्ट, तो यू वन मिलेगा, यू टू मिलेगा, डॉट 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 यू एन मिलेगा, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, W is the event of getting a white ball. तो ये W event है, it's getting a white ball. ठीक है? तो अपना जो first part है, first part मतलब A वाला option है, उसमें क्या given है, P of U I is proportional to I. तो अपन बोल देते हैं P of U I is K I. अब ये साला K कैसे निकालूं? P of U1 is K, P of U2 is 2K. तो ये है K, ये है 2K, dot 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 NK. ठीक है, और ये तो फिक्स्ड आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, तो U1 में कितने वाइट बॉल्स हैं, आई वाइट बॉल है और N, हाँ तो ये 1 बाय N प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक ही वाइट बॉल है तो प्रोबेबिलिटी 1 बाय N प्लस 1, इसमें दो वाइट बॉल है तो प्रोबेबिलिटी 2 बाय N प्लस 1, इसमें N वाइट बॉल है तो प्रोबेबिलिटी N बाय N प्लस 1। सबसे पहले ध्यान से देखो कॉन्स्टेंट K निकालने के लिए, कितने बच्चों को समझा बोलो, ऑब्वियसली ये सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम तो वन होना चाहिए ना, बोलो सोच लो पहले एक बार, पक्का? तो इससे तुम्हारा के आ जाएगा, तो समेशन के एन इंटू एन प्लस वन बाय टू है ना, ये देख लो एक बार, समेशन ऑफ पी यू आई मतलब के इंटू आई का समेशन, आई का समेशन ये होता है, तो ये रही हमारी के की वैल्यू, समझा? टोटल सम, क्योंकि तुम इनमें से एक अन तो चूज करोगे ना, या तो यू वन लोगे या यू टू लोगे, डॉट डॉट और यू एन लेंगे, तो सबके प्रोबेबिलिटीज का सम वन होना चाहिए, तो दिस इज हाउ यू फाइंड के। अब आंसर क्या है, उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी है ये तो बच्चों, तो के अपॉन एन प्लस वन कॉमन निकल रहा है, वी आर गेटिंग वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, दिख रहा है क्या बच्चों, एन स्क्वायर के इंटू दिस, टू के इंटू दिस, तो टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर, तो आंसर क्या बन रहा है, टू अपॉन एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, तो ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो बच्चों, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालो, तो क्या बन रहा है आंसर, देखो क्या आ रहा है, तो लिमिट क्या बन रहा है, एन प्लस वन, एन प्लस वन जाता फोर बाय सिक्स, फोर बाय सिक्स मतलब टू बाय थ्री आता रहा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। फिर बी वाला क्या बोल रहा है, बी वाला बोल रहा है दैट पी ऑफ यू सी इज कॉन्स्टेंट, तो इस बार पी ऑफ यू आई सबके सब क्या है बच्चों, वन बाय एन प्लस वन, सॉरी वन बाय एन कॉन्स्टेंट है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वली प्रोबेबल बोल दिया, तो सब वन बाय एन गिवन एक तरीके से, तो ये स्टार्ट यू वन यू टू डॉट 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 यू एन, इन सबकी प्रोबेबिलिटी इज वन बाय एन दी हुई है, इट्स अ कॉन्स्टेंट, तो टोटल प्रोबेबिलिटी वन होने के कारण वन बाय वन बाय वन बाय हो गया, और ये व्हाइट बॉल ये तो अभी भी आई थिंक फिक्स्ड ही है, ये तो फिक्स्ड है, वन बाय एन प्लस वन, टू बाय एन प्लस वन, डॉट डॉट डॉट, दिस वन विल बी डॉट 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 एन बाय एन प्लस वन, तो प्रोबेबिलिटी यू एन स्लैश डब्ल्यू क्या होता है बच्चों, दिस इंटू दिस, तो वन बाय एन इंटू एन बाय एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितना बन रहा है, वन बाय एन एन प्लस वन इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन, तो आंसर क्या बन रहा है, एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो टू बाय एन प्लस वन, चले बच्चों बोलो ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद शी ऑप्शन क्या बोल रहा है, शी ऑप्शन, तो शी ऑप्शन इज सेइंग इफ एन इज इवन, तो एन को मैं चलो ऐसे टू के ले लेता हूं, इफ एन इज इवन एंड इवेंट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ चूजिंग इवन नंबर डन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट प्रोवाइडेड इवन नंबर डन वॉज सिलेक्टेड,
probability of getting a white ball provided even numbered urn was selected. तो इसका मतलब हो जाएगा probability of getting a white ball provided even numbered urn selected, मतलब ये होता है technically इसका meaning. PW/E. तो probability that white ball आ जाए and even numbered urn select किया हो, ये क्या probability हो जाएगी बच्चों? मैं n को 2 के छोड़ो, n को n ही रखता हूँ. P of UI क्या रखता हूँ? 1/NE. तो probability white ball निकल जाए and even numbered urn आ जाए. तो ये कैसे कैसे हो सकता है? Even numbered urn की probabilities क्या क्या है बच्चों? जैसे U2 की probability क्या है? 1/N. और उसमें से इवन मतलब उसमें से वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये सही कर रहा हूं ना, 4/N+1. ऐसे कितने टर्म्स होंगे बच्चों? टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो इससे इतने N/2 टर्म्स होंगे, N/2 टर्म्स. ठीक है, टोटल N/2 टर्म्स होंगे, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय PE. तो कितने तरीके से इवन नंबर्ड अन सिलेक्ट कर सकता हूं? प्रोबेबिलिटी इवन नंबर्ड अन सिलेक्ट हो जाए, सॉरी, इवन नंबर्ड अन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी. तो ये कितना बन रहा है बच्चों? तो वी आर गेटिंग 2 times 2+4+6+...n/2 टर्म्स, n/2 टर्म्स होल डिवाइडेड बाय n(n+1). तो ये क्या बन रहा है? पता नहीं क्या बन रहा है. तो ये क्या बन जाएगा? n/2 टर्म्स ना, तो ये AP है. तो नंबर ऑफ टर्म्स इनटू 2a+(n/2-1) इनटू कॉमन डिफरेंस. मैं बहुत ज्यादा लेंदी कर रहा हूँ क्या? बहुत धूम मचा रहा हूँ सर. 2 कॉमन निकाल के आप सम लिख दो ना. हाँ चल, अब कर दिया तो कर दिया, छोड़ो, चलो जाने दो. तो क्या बन रहा है? ये एन बी कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है 4-2. 2+(n/n+1) बन रहा है क्या? कि पोपट नहीं, एक सेकंड सोचने तो, मैंने कहीं पे धूम मचाई है. n/2 नहीं, n/4 होगा ना. कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? एपी के सामने. एक सेकंड, n/4 क्यों होगा यार? सर क्योंकि एपी में तो n/2 टर्म्स है, पर n/2/2 होगा. एपी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू 2a+(n-1)(d), यही होता था ना, कि n/2 होता था. अच्छा, अभी सालों में ये भूल गया, मेरे को लिटरली याद नहीं आ रहा, पता है ये होता था. रियली आई कांट, क्या हो गया यार, एकदम से उम्र का तकाजा. तो ये बन रहा है, ठीक है, सीरियसली याद ही नहीं आया मेरे को. तो ये n/4 हो जाएगा ना, यू मीन टू से n/4 हो जाएगा. तो ये nn गया और ये 2 गया, मतलब ठीक है, चलेगा बच्चों? बोलो पीपल, इज दिस गुड? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटिवली दिस वाज बेटर एंड दिस वाज न्यू. तो एक काम करो, आज के लिए इतना काफी है. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा सेट कर लेते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक खत्म हो गया है. तो नेक्स्ट लेक्चर अपन क्या करने वाले हैं? आई थिंक वी हैव वन मोर लेक्चर एटलीस्ट दिस वीक. नेक्स्ट लेक्चर, अच्छा 3 लेक्चर है. तो नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा क्या है? पहले तो देखो, वो जो 4 पेंडिंग क्वेश्चन है, वो रिकर्जन वाले, वो करके लाओ. जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर है, 4 पेंडिंग क्वेश्चन है रिकर्जन वाले, और ये 2 बुकलेट वाले क्वेश्चन पेंडिंग है. तो ये पहले डिस्कस करूंगा. कैन यू ब्रिंग 1A? जस्ट 1A. कैन यू ब्रिंग 1A? यस सर. ओके सर. तो अपन 1A नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. और आई थिंक देन आफ्टर दैट रफली वी विल हैव अराउंड 40-45 मिनट्स. तो उसके बाद में कुछ और गुड मिसेलेनियस समझ दूंगा, ठीक है. ठीक है, तो मैं और अच्छे क्वेश्चंस दे दूंगा. आशुतोष, जैसे पीएनसी में किए थे वैसे के वैसे ही है, सोच के आओ. हाँ, मेरा कंप्लीट हो गया, थ्योरी पार्ट इज ओवर, बट अब थोड़े से और प्रैक्टिस करने, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है. चलो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको मेंस में पढ़ाते ना, मेरे को आते ही नहीं है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल. मेंस भी क्यों, ये तो आपको कॉलेज टीचर पढ़ाएंगे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. ओके,
चलो बाय बाय सर. व्हाट डू वी हैव टू डू फ्रॉम पीएनसी बुकलेट? पीएनसी में 2B तक कर लो, बहुत है. ठीक है सर, उसका भी डिस्कशन इस वीक में कर लीजिएगा. हाँ श्योर ना. नेक्स्ट लेक्चर तो चलो प्रोबेबिलिटी ही हो जाएगा कंप्लीट करने में. उसका जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें, थर्ड लेक्चर जो उसमें पीएनसी कर लेंगे, नेवर माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर आपके पास रिटर्न सॉल्यूशंस है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास. होता तो मैं भेज देता, ये मैं छुपा के क्यों रखूंगा. ओके सर. नहीं है, सही नहीं है. चलो रेफरेंस बुक अटेम्प्ट कर सकते हैं केवल अपन, या वो जो मीटिंग रह गई है वो रख लेते हैं. मैं खुद ही बिजी हो गया तो मैं रख ही नहीं पाया. अपन डिस्कशन करेंगे कि लाइक एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है. विल डू दैट, मतलब टू डिस्कस कि क्या कर सकते हैं. नहीं तो थर्ड लेक्चर ही जो है उसी में टाइम बचेगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे कि अब बचे हुए टाइम में आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, वो सब. ठीक है भव्य, मैंने बोला ना सेट एजेंडा क्यों, 2B तक जितना हो जाए, जितना हो जाए उतना करके लिया यार. 2B तक करके लिए अपन, थर्ड लेक्चर जो बच रहा है ना इस वीक का, थर्ड लेक्चर में पीएनसी का 2B तक जितना हो जाए सॉल्व हो जाए करके लिया और डिस्कस कर लेंगे थर्ड लेक्चर में. वी हैव नथिंग टू डू. ठीक है सर, लाइक 2A इंपॉर्टेंट है या फिर 1C के बाद डायरेक्ट 2B करे तो चलेगा? 1C के बाद 2B कर लो. सिंगल करेक्ट में 1A 1B 1C बहुत है. हां मैं एक्चुअली सही बोल रहे हो, 1A PNC के लिए 1A 1B 1C और 2B कर लो. 2A छोड़ सकते हो, PNC में से इतना कर लो, बहुत है. चलो तो मैं PDF शेयर कर देता हूँ. बाय बाय.